रंगन जी स्वयं और अपनी कमेटी के तमाम सदस्यों के साथ आज यहाँ पर उपस्थित हैं और इसलिए मैं कस्तूरी रंगन जी का भी हृदय की गहराई से अभिनंदन कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी, पद्म भूषण कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में जो ये NEP की कमेटी है, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार के रूप में मुझे लगता है कि होगी, जिसमें 2 लाख से अधिक समितियों के साथ, 1000 से अधिक विश्वविद्यालय, 33 करोड़ छात्र छात्राओं के अभिभावकों से परामर्श, सारे अध्यापक गण, विशेषज्ञ गण, सभी NGO, जनप्रतिनिधि गण, देश भर के सभी शिक्षा मंत्रियों से एक बार नहीं बल्कि कई बार, देश के मुख्यमंत्रियों से तमाम समय समय पर संवाद, और जनप्रतिनिधि से लेकर के जो पब्लिक डोमेन में डालने के बाद 2.25 लाख से भी अधिक जो सुझाव आए हैं उसके व्यापक विश्लेषण के बाद जो ये अमृत निकल करके प्रधानमंत्री जी ये हमारे सामने आया है। मैं ये समझता हूँ कि जो आपके नए भारत के निर्माण का प्रधानमंत्री जी संकल्प रहा है, ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, समृद्ध भारत हो, सशक्त भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो और एक भारत हो, और जिसका रास्ता आपने प्रधानमंत्री जी का हमको दिया है कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंडअप, इस रास्ते से भी हो करके आपने जो एक और मंत्र सूत्र दिया कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के इन उन नीति पर, वो आपके विजन पर प्रधानमंत्री जी ये जो नई शिक्षा नीति आई है वो यूनेस्को के उस लक्ष्य को, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का उसका लक्ष्य है उसको भी केंद्रित करती है, उसको भी उस लक्ष्य को भी प्राप्त करने की इसमें क्षमता है। प्रधानमंत्री जी आपने हमेशा कहा है कि ये 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, और जो प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में मैं समझ सकता हूं कि कितनी बार एक एक शब्द इस नई शिक्षा नीति का आपसे होकर के गुजरा है, बार बार आपका मार्गदर्शन जो हमको मिला है, और मैं समझ सकता हूं कितनी संवेदनशीलता से प्रधानमंत्री जी आप कितने चिंतित थे इस नई शिक्षा नीति को लाने के लिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार सहित बार बार आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपके मानवता के व्यापक विजन के साथ मानवीय मूल्यों के आधार पर समावेशी और सार्वभौमिक, और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं सुपर फास्ट खबरों की ओर। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया, चीन से लगी LAC पर सेना की तैयारी की समीक्षा की, सैन्य अधिकारियों के साथ अहम मुलाकात भी हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की ओर से चीन के कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा चीन देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे, 370 हटाए जाने के 1 साल पूरे होने के मौके पर पाकिस्तान ने की थी अपील। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी नेता सज्जाद अहमद खांडे की हत्या, शरणार्थी कैंप से घर जाते वक्त आतंकियों ने मारी गोली, जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों में बीजेपी नेताओं पर दूसरा हमला। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में बीजेपी दफ्तर पर हमला, TMC कार्यकर्ताओं पर बम फेंकने के आरोप, बीजेपी के 4 कार्यकर्ता जख्मी हुए, पुलिस में शिकायत दर्ज, CCTV फुटेज देखकर आरोपियों की पहचान की कोशिश। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और साथ ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच बातचीत, ट्विटर पर लिखा कोरोना को हराने के लिए भारत का साथ जारी, अफगानिस्तान में शांति को बढ़ाने के लिए भी एकजुट। और चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं वो आपको। चांसलर्स, अन्य सभी शिक्षाविद, सभी महानुभाव, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में आज का ये इवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कॉन्क्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल्ड को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी, ज्यादा स्पष्ट होगी, फिर उतना ही आसान
इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। साथियों, 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक तरफा कोई झुकाव है। ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव चाहते थे वो उन्हें देखने को मिले हैं। वैसे कुछ लोगों के मन में ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफॉर्म कागज पर तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। यानी अब सबकी निगाहें हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है वो हमें सबको मिलकर के करना है और करना ही है। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में और उस काम में सीधे तौर पर जुड़े हैं और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत ज्यादा है, बहुत अहम है। जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है, मैं पूरी तरह कमिटेड हूं, मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। साथियों, हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए अपने नेशनल गोल्स के अनुसार रिफॉर्म्स करते हुए आगे बढ़ता है। मकसद ये होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी रखे, फ्यूचर रेडी करें। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की, नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भारत के नागरिकों को और सशक्त करने के लिए,
उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसरों के उपयुक्त बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है। जब भारत का स्टूडेंट, चाहे वो नर्सरी में हो या फिर कॉलेज में साइंटिफिक तरीके से पढ़ेगा, तेजी से बदलते हुए समय और तेजी से बदलती जरूरतों के हिसाब से पढ़ेगा, तो वो नेशन बिल्डिंग में कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभा पाएगा। साथियों, बीते अनेक वर्षों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव नहीं हुए थे। परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज में क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन की वैल्यूज को प्रमोट करने के बजाय भेड़ चाल को ही प्रोत्साहन मिलने लगा था। कभी डॉक्टर बनने के लिए होड़ लगी, कभी इंजीनियर बनाने की होड़ लगी, कभी वकील बनाने की होड़ लगी। इंटरेस्ट, एबिलिटी और डिमांड की मैपिंग किए बिना होड़ लगाने की प्रवृत्ति से एजुकेशन को बाहर निकालना जरूरी था। हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे युवाओं में क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव थिंकिंग विकसित कैसे हो सकती है, जब तक हमारी शिक्षा में पैशन ना हो, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन ना हो, पर्पज ऑफ एजुकेशन ना हो। साथियों, आज गुरुवर रविंद्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि भी है। वो कहते थे, उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बृहद लक्ष्य इसी से जुड़ा है। इसके लिए टुकड़ों में सोचने के बजाय एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत थी, जिसको सामने रखने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सफल रही है। साथियों, आज जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूर्त रूप ले चुकी है, तो मैं उस समय और सवालों की भी चर्चा आपसे करना चाहता हूं जो हमारे सामने शुरुआती दिनों में आए थे। उस समय जो दो सबसे बड़े सवाल थे, वो यही थे कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे युवाओं को क्रिएटिव, क्यूरियोसिटी और कमिटमेंट ड्रिवन लाइफ के लिए मोटिवेट करती है। आप लोग इस क्षेत्र में इतने वर्षों से हैं, आपने अपना जीवन शिक्षा के लिए खपा दिया है, समर्पित किया है, आप लोग इसका जवाब बेहतर जानते हैं। साथियों, हमारे सामने दूसरा सवाल था कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे युवाओं को एम्पावर करती है। देश में एक एम्पावर्ड सोसाइटी के निर्माण में मदद करती है। आप सब इन सवालों से भी परिचित हैं और जवाबों से भी भली भांति परिचित हैं। साथियों, आज मुझे संतोष है कि भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाते समय
इन सवालों पर गंभीरता से काम किया गया। साथियों, बदलते समय के साथ एक नई विश्व व्यवस्था, एक नए रंग रूप और व्यवस्थाओं में बदलाव, एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी हो रही है। एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय हो रहा है। इसके हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टम खुद में बदलाव करे, ये भी किया जाना बहुत जरूरी था। स्कूल करिकुलम के 10+2 स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर अब 5+3+3+4 करिकुलम का स्ट्रक्चर देना इसी दिशा में एक कदम है। हमें अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल सिटीजन भी बनाना है और इसका भी ध्यान रखना है कि वे ग्लोबल सिटीजन तो बने लेकिन साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। जड़ से लेकर के जग तक, मनुष्य से मानवता तक, अतीत से आधुनिकता तक, सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप तय किया गया है। साथियों, इस बात में कोई विवाद नहीं है कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चों के सीखने की गति बेहतर होती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जहां तक संभव हो 5th क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाने पर सहमति दी गई है। इससे बच्चों को और बच्चों की नींव तो मजबूत होगी ही, उनके आगे की पढ़ाई के लिए भी उनका बेस और मजबूत होगा। साथियों, अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्हाट टू थिंक, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक उस पर बल दिया जा रहा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस दौर में हम, और यह दौर ऐसा है जहां इंफॉर्मेशन और कंटेंट की कोई कमी नहीं है, एक प्रकार से बाढ़ आई हुई है, हर प्रकार की जानकारी आपके मोबाइल फोन पर अवेलेबल है, जरूरी यह है कि कौन सी जानकारी हासिल करनी है, क्या पढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखकर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है कि जो पढ़ाई के लिए लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, ढेर सारी किताबें होती हैं, उसकी अनिवार्यता को कम किया जाए। अब कोशिश ये है कि बच्चों को सीखने के लिए इंक्वायरी बेस, डिस्कवरी बेस, डिस्कशन बेस और एनालिसिस बेस तरीकों पर जोर दिया जाए। इससे बच्चों में सीखने की ललक बढ़ेगी और उनके क्लास में उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। साथियों, हर विद्यार्थी को, स्टूडेंट को यह अवसर मिलना ही चाहिए कि वो अपने पैशन को फॉलो करे, वो अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से किसी डिग्री या कोई कोर्स को फॉलो कर सके और अगर उसका मन करे
तो वो छोड़ भी सके। अक्सर ऐसा होता है कि कोई कोर्स करने के बाद स्टूडेंट जब जॉब के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि जो उसने पढ़ा है वो जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। कई स्टूडेंट को अलग अलग वजहों के से बीच में ही कोर्स छोड़कर जॉब करनी पड़ती है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स की जरूरतों का ख्याल रखते हुए मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। अब स्टूडेंट वापस अपने कोर्स से जुड़कर अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर सकता है, लर्न कर सकता है। इसका एक और एस्पेक्ट है, जब स्टूडेंट्स को ये भी स्वतंत्रता होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके लिए वो पहले कोर्स से एक निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हायर एजुकेशन को स्ट्रीम से मुक्त करने, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट क्रेडिट बैंक के पीछे यही एक बहुत लंबे दूर की सोच के साथ हम आगे आए हैं। हम उस एरा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक प्रोफेशन में ही नहीं टिका रहेगा। बदलाव निश्चित है मान के चलिए, और इसके लिए उसे निरंतर खुद को रीस्किल और अपस्किल करते रहना ही होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका भी बारीकी से ध्यान रखा गया है। साथियों, किसी भी देश के विकास में एक बड़ी भूमिका रहती है समाज के हर तबके की गरिमा, उसकी डिग्निटी। समाज का कोई व्यक्ति कोई भी काम करता हो, कोई निम्न नहीं होता है। हमें यह सोचना चाहिए कि भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रहे देश में यह बुराई कहां से आई। ऊंच नीच का भाव, मेहनत मजदूरी करने वालों के प्रति हीन भाव, इस प्रकार की विकृति हमारे अंदर कैसे घर कर गई। इसकी एक बड़ी वजह रही है कि हमारी एजुकेशन का समाज के इस तबके के साथ एक डिस्कनेक्ट रहा। जब गांवों में जाएंगे, किसान को, श्रमिकों को, मजदूरों को काम करते देखेंगे, तभी तो उनके बारे में जान पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे वो कितना बड़ा योगदान कर रहे हैं समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। वो कैसे अपना जीवन खपा रहे हैं, उनके श्रम का सम्मान करना हमारी पीढ़ी को, वर्तमान को, भावी पीढ़ी को सीखना ही होगा। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्टूडेंट एजुकेशन और डिग्निटी ऑफ लेबर, उस पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। साथियों, 21वीं सदी के भारत से पूरी दुनिया को बहुत अपेक्षाएं हैं। भारत का सामर्थ्य है कि वो टैलेंट और टेक्नोलॉजी का समाधान पूरी दुनिया को दे सकता है। हमारी इस जिम्मेदारी को भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी एड्रेस करती है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भी समाधान सुझाए गए हैं उससे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के प्रति एक माइंडसेट विकसित करने की भावना भी है। अब टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत तेजी से, बहुत अच्छी तरह से, बहुत कम खर्च में समाज के आखिरी छोर पर खड़े स्टूडेंट तक पहुंचने का माध्यम दिया है। हमें इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से टेक्नोलॉजी आधारित बेहतर कंटेंट और कोर्स के डेवलपमेंट में बहुत मदद मिलेगी। बेसिक कंप्यूटिंग पर बल हो, कोडिंग पर फोकस हो या फिर रिसर्च पर ज्यादा जोर, ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं बल्कि पूरे समाज की अप्रोच को बदलने का माध्यम बन सकता है। वर्चुअल लैब जैसे कंसेप्ट ऐसे लाखों साथियों तक बेहतर शिक्षा के सपने को ले जाने वाला है जो पहले से ही सब्जेक्ट्स पढ़ ही नहीं पाते थे जिसमें लैब एक्सपेरिमेंट जरूरी हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश में रिसर्च और एजुकेशन के गैप को खत्म करने में भी अहम भूमिका निभाने वाली है। साथियों, जब इंस्टीट्यूशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये रिफॉर्म्स रिफ्लेक्ट होंगे तभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अधिक प्रभावी और त्वरित गति से इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। आज समय की मांग है कि इनोवेशन और एडॉप्शन की जो वैल्यूज हम समाज में निर्मित करना चाहते हैं वो खुद हमारे देश के इंस्टीट्यूशन से शुरू होनी चाहिए और जिसका नेतृत्व आप सबके पास है। जब हम एजुकेशन और विशेष हायर एजुकेशन को एम्पावर्ड सोसाइटी के निर्माता के रूप में खड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी एम्पावर करना जरूरी है। और मैं जानता हूं जैसे ही इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करने की बात आती है तो उसके साथ ही एक और शब्द चला आता है और वो शब्द आप बड़ी बात ही जानते हैं। वो शब्द क्या है? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी आप भी जानते हैं कि ऑटोनॉमी को लेकर हमारे यहां दो तरह के मत पूरे देश में प्रवर्तमान है। एक कहता है कि सब कुछ सरकारी नियंत्रण से पूरी शक्ति से चलना चाहिए, तो दूसरा कहता है कि सभी संस्थानों को बाय डिफॉल्ट ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। पहली अप्रोच में नॉन गवर्नमेंट संस्थानों के प्रति मिस्ट्रस्ट दिखता है तो दूसरी अप्रोच में ऑटोनॉमी को एंटाइटलमेंट के रूप में भी ट्रीट किया जाता है। गुड क्वालिटी एजुकेशन का रास्ता इन दोनों के बीच में से ही निकलता है, दोनों मतों के मध्य से ही निकलता है। जो संस्थान क्वालिटी एजुकेशन के लिए ज्यादा काम करे उसको ज्यादा फ्रीडम से रिवॉर्ड किया जाना चाहिए। इससे क्वालिटी को एनकरेजमेंट मिलेगा और सबको ग्रो करने के लिए इंसेंटिव भी मिलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने से पहले हाल के वर्षों में आपने भी देखा है कि कैसे हमारी सरकार ने अनेकों इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी देने की पहल की है। मुझे उम्मीद है
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जैसे जैसे विस्तार होगा, शिक्षा संस्थानों को ऑटोनॉमी की प्रक्रिया भी और तेज होगी। साथियों, देश के पूर्व राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बींग्स विथ स्किल एंड एक्सपर्टाइज। एनलाइटन ह्यूमन बींग्स कैन बी क्रिएटेड बाई टीचर्स। वाकई शिक्षा व्यवस्था में बदलाव देश को अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे प्रोफेशनल्स और उत्तम नागरिक देने का बहुत बड़ा माध्यम आप सभी हैं, आप सभी टीचर्स ही हैं, प्रोफेसर्स ही हैं, शिक्षा जगत से जुड़े आप ही लोग इस काम को करते हैं और कर सकते हैं। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में डिग्निटी ऑफ टीचर्स का भी ध्यान रखा गया है। एक प्रयास ये भी है कि भारत का जो टैलेंट है वो भारत में ही रहकर आने वाली पीढ़ियों का विकास करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टीचर ट्रेनिंग पर बहुत जोर है, वो अपनी स्किल्स लगातार अपडेट करते रहें, इस पर बहुत जोर है। आई बिलीव व्हेन अ टीचर लर्न्स ए नेशन लीड्स। साथियों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमल में लाने के लिए हम सभी को एक साथ संकल्पबद्ध होकर काम करना है। यहां से यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल एजुकेशन बोर्ड्स, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद और समन्वय का नया दौर शुरू होने वाला है। आप सभी साथी, क्योंकि हायर एजुकेशन के सबसे शीर्ष संस्थानों के शीर्ष में है, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। मेरा आग्रह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर लगातार वेबिनार करते रहिए, डिस्कशंस करते रहिए, नीति के लिए रणनीति बनाइए, रणनीति के को लागू करने के लिए रोड मैप बनाइए, रोड मैप के साथ टाइमलाइन जोड़िए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इस सब को जोड़ने की योजना बनाइए। और ये सारा चीजें नई नीति के प्रकाश में आप ही को करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ एक सर्कुलर नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ सर्कुलर जारी करके, नोटिफाई करके इंप्लीमेंट नहीं हो सकती है। इसके लिए मन बनाना होगा, आप सभी को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी। भारत के वर्तमान और भविष्य को बनाने के लिए, आपके लिए, हम सबके लिए ये एक महायज्ञ है। 21वीं सदी में मिला हुआ एक बहुत बड़ा हमें अवसर है। हमारे इन प्रयासों से पूरी शताब्दी को एक दिशा मिलने वाली है। और इसमें, इस गौरवपूर्ण अध्याय में जुड़ने के लिए मैं आपको निमंत्रित देता हूं। इसमें आपका योगदान बहुत आवश्यक है। इस कॉन्क्लेव को देख रहे, सुन रहे प्रत्येक का योगदान आवश्यक है। मुझे विश्वास है इस कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को लेकर बेहतर सुझाव,
बेहतर समाधान निकल करके आएंगे। और मैं विशेष रूप से आज जब मुझे अवसर मिला है तो सार्वजनिक रूप से डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यह काम छोटा नहीं था, बहुत बड़ा काम था। बहुत लोगों के सुझाव थे, बहुत अपेक्षाएं थी, और फुल स्टॉप कॉमा भी उधर उधर हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। और इसलिए कस्तूरी रंगन जी और उनकी टीम ने कितनी बारीकी से, एक तपस्या की तरह इस काम को किया होगा, तब जाकर के संपूर्णतया विवादों से मुक्त, विश्वास से भरी हुई, सपनों को संवारने वाली, संकल्प को ताकत देने वाली और सिद्धि में अटूट श्रद्धा के साथ ये नई शिक्षा नीति हमारे सामने आई है। मुझे विश्वास है कि देश के भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, वर्तमान पीढ़ी के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए ये नई शिक्षा नीति बहुत काम आएगी। मैं फिर एक बार शिक्षा जगत के आप सभी महानुभावों को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ये जो नई शिक्षा नीति है वो 21वीं सदी का नया आधार तैयार होगा और भारत को मजबूती से आगे ले जाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि अब युवाओं को ज्यादा रोजगार भी नई शिक्षा नीति के तहत मिलेगा, क्योंकि इसमें पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च पर ज्यादा ध्यान दिया गया है और सबको स्किल्ड बनाने पर खासतौर पर जोर दिया गया है।